Rakesh Tikat, leader of the Bharatiya Kisan Union, along with Ashok Balyan, chairman of the Peace and Welfare Association, commented on ongoing farmers' protest in Punjab. Tikat expressed solidarity with the protesting farmers, highlighting their grievances over procurement issues and government policies. Balyan echoed these sentiments, stressing the need for unity among farmers across states to address their common challenges effectively. अभी तो बातचीत ही है और मीटिंगें हो रही हैं, जैसे कल बिजनौर के अंदर मीटिंग थी, भाजयू में मीटिंग थी जो मुझे शामली में है, आज भी एक मीटिंग शामली में थी जो टीचरों की थी, कल बुलंदशहर में है, फिर प्रयागराज में है 27 तारीख की। तो ऐसे ही मीटिंग पूरे देश भर में चलती रहेगी। 17 तारीख की सिसोली और तमिलनाडु में मीटिंग है, उसके बीच में और भी रखी हुई मीटिंग है। अशोक बालियान। बालियान साहब, कल पंजाब में धान की फसल को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्या लगता है कि जिस तरह धान की बिक्री में देरी हो रही है और किसान जो है वो आक्रोशित हो रहे हैं सरकार के खिलाफ? हाँ देखिए, ये पंजाब में धान की बिक्री को लेकर और बिके हुए धान के उठान को लेकर समस्या बनी हुई है, और ये समस्या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर इस पर काम करना था, और केंद्र सरकार ने इस पर जो जरूरी चीज़ें थी वो की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब की तरफ से अभी जो आश्वासन दिया गया था वो अभी तक पूरी तरह से जो है कारगर नहीं हो पाया है, और इसीलिए जो है धान उठान नहीं हो रहा, तो फिर धान की बिक्री कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है पंजाब के किसान जो है आज भी प्रोटेस्ट किया है और एक गुट कल प्रोटेस्ट करेगा। आप भी किसानों के प्रतिनिधि मिलकर सरकारों से वार्ता करते हैं कई बार, तो क्या लगता है जिस तरह से कल चक्का जाम है, सड़कें बंद की जाएंगी, तो क्या लगता है किसानों इस तरह का रुख अपनाना चाहिए? देखिए, ये एक दुर्भाग्य है कि कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और उसके बाद उससे बहुत सारे जो घटक अलग हुए हैं वो सारे आंदोलनरत हैं, और वो सारे के सारे आंदोलन राजनीति से प्रेरित हैं। अगर वो सरकार के सामने तर्कपूर्ण ढंग से अपनी समस्या रखते, जिस तरह हमारा संगठन रखता है और बहुत सारा हमारा भी एक देश में एक हमने भी अलायंस बनाया है वो रखता है समस्या, तो मैं समझता हूँ कि उससे समाधान बेहतर होता। लॉ एंड ऑर्डर को रोज भंग करना, पिछले 6 महीने से जो कल पंजाब को बंद करेंगे वो तो पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जो है, तो वे सारे के, और वो फिर पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाते हैं फिर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है, तो ये सारे आंदोलन राजनीति से प्रेरित हैं। ये सच बात है कि एक तरफ किसान की समस्या है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि ये जितने भी आंदोलन हैं जिन्होंने आज आंदोलन किया वो सारे के सारे पंजाब के चुनाव में से कृषि कानूनों के बाद पंजाब के चुनाव में सबने चुनाव लड़ा और सबको 1000-2000 वोट मिली, और फिर वो प्रोटेस्ट। अभी तो बातचीत ही है और मीटिंगें हो रही हैं, जैसे कल बिजनौर के अंदर मीटिंग थी, भाजयू में मीटिंग थी जो मुझे शामली में है, आज भी एक मीटिंग शामली में थी जो टीचरों की थी, कल बुलंदशहर में है, फिर प्रयागराज में 27 तारीख की। तो ऐसे ही मीटिंग पूरे देश भर में चलती रहेगी। 17 तारीख की सिसोली और तमिलनाडु में मीटिंग है, उसके बीच में और भी रखी हुई मीटिंग है। आपका नाम? अशोक बालियान। बालियान साहब, कल पंजाब में धान की फसल को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्या लगता है कि जिस तरह धान की बिक्री में देरी हो रही है और किसान जो है वो आक्रोशित हो रहे हैं सरकार के खिलाफ? हाँ देखिए, ये पंजाब में धान की बिक्री को लेकर और बिके हुए धान के उठान को लेकर समस्या बनी हुई है, और ये समस्या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर इस पर काम करना था, और केंद्र सरकार ने इस पर जो जरूरी चीज़ें थी वो की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब की तरफ से अभी जो आश्वासन दिया गया था वो अभी तक पूरी तरह से जो है कारगर नहीं हो पाया है, और इसीलिए जो है धान उठान नहीं हो रहा, तो फिर धान की बिक्री कम हो रही है, जिसकी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लीडर एंड कैंडिडेट फॉर द शिवाजी असेंबली सीट इन मुंबई बालनाथ गोंकर मार्क्ड 15 ईयर्स अगो कंटेस्टेड द इलेक्शन हियर एंड वॉन, बट देन प्राइम मिनिस्टर मोदीज वेव चेंज्ड एवरीथिंग। ही एम्फसाइज्ड हिज लॉयल्टी टू द ठाकरे फैमिली, स्टेटिंग, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू नाइट उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे
I will certainly make it happen. खर बात सन्माननीय राज साहेब आणि नितीन सरदेसाई हे दोघे या ठिकाणी आले होते. माझी सौभाग्य होती पण होती आणि नामांकन आता माझं दाखल झालेली आहे आणि आता खऱ्या अर्थाने प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होणार. हालांकि माझी अगोदरच उमेदवारी जाहीर झाल्यामुळे मी काम करतच होतो आणि आता ऑफिशियली लोकांपर्यंत जाण्याचा आम्हाला परवानाच मिळालेला आहे. मला असं वाटतं की सोडीच्या बाबतीमध्ये माझ्या स्वतःचे एक मी विकासाची ब्लूप्रिंट बनवलेली आहे जी आतापर्यंत कोणीच बनवलेली नव्हती त्या मतदारसंघासाठी आणि ती मी घराघरामध्ये लोकांच्या पाठवतो. मराठी आहे, हिंदी आणि इंग्लिश आहे. लोकांच्या जर त्याच्यात काही चांगल्या मौल्यवान सूचना असतील तर त्या निश्चितपणे मी घेऊन लोकांच्या पुढे सुधारणा करून पुन्हा एकदा पाठवतो. सर, 15 वर्षानंतर पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे, कसं बघता? कारण 15 वर्षापूर्वी तुम्ही आमदार होतात त्या मतदार. जी, ही गोष्ट खरी आहे की मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी फिरवतो आणि त्याच्यामुळे मागची एक निवडणूक लढवली होती. त्याच्या अगोदर जी लढवली होती 2014 त्यावेळेला तर तुम्हाला माहिती आहे केवढी मोठी वेव होती, लाट होती आणि त्या लाटेमध्ये आम्ही सगळे वाहून गेलो होतो. त्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची लाट होती त्यामुळे आम्ही होऊन गेलो होतो. पण असू, जे का असेल ते. आणि आता पुन्हा एकदा 10 वर्षांनी संधी प्राप्त झाली आहे. शिवडीमध्ये प्रचंड प्रश्न आहे तो. त्याच्यामध्ये जुन्या चाळी आहेत, झोपडपट्ट्या आहेत, आता हायराईज इमारती आलेल्या आहेत, महिलांचे प्रश्न आहे, तरुण मुलांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे, सांस्कृतिक केंद्र भवनाचे प्रश्न आहे, त्या ठिकाणी असणाऱ्या लोकांना तरण तलाव पाहिजे, असे खूप असंख्य प्रश्न आहेत. म्हणून मी ती ब्लूप्रिंट बनवलेली आहे आणि ती 8 पानांची ब्लूप्रिंट आहे आणि जे होणार आहे तेच मी दिलेलं आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे, अतिशय महत्वाचे पुढचे काही दिवस राहणार आहे, काय पद्धतीचं आहे आणि काय नेमकी खरं बात. सन्माननीय राज साहेब आणि नितीन सरदेसाई हे दोघे या ठिकाणी आले होते. माझी सौभाग्य होती पण होती आणि नामांकन आता माझं दाखल झालेली आहे आणि आता खऱ्या अर्थाने प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होणार. हालांकि माझी अगोदरच उमेदवारी जाहीर झाल्यामुळे मी काम करतच होतो आणि आता ऑफिशियली लोकांपर्यंत जाणार. In an emergency meeting regarding the Great Response Action Plan, GRAP, Uttar Pradesh Environmental Minister Dr. Arun Kumar announced measures to minimize dust pollution and the stated instructions have been issued to ensure that the AQL level does not deteriorate. We are directing the sprinkling of water at various locations and banning all vehicles that emit excessive smoke. Industries have been instructed to refrain from using generator sets and the electricity department has been asked to provide continuous power to prevent reliance on generators. Additionally, we will plant grass and sprinkle water along roadsides where dust levels are high. आज ये निर्देश दिए गए हैं कि धूल कम से कम उड़े, यहाँ का एयर क्वालिटी सिस्टम एक्शन में रहे और एयर क्वालिटी ज़रा भी ख़राब ना हो. धूल के लिए हमने कहा है मैकेनिकल स्वीपिंग कीजिए, जगह जगह छिड़काव करिए, वेट क्लीनिंग करिए और एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल करिए ताकि धूल जो उड़ रही है वो ना उड़े. पुराने वाहन जो डीजल के 10 साल से ज़्यादा पुराने, पेट्रोल के 15 साल से पुराने और धुआं ज़्यादा छोड़ रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही साथ हमारा हमेशा काम यही है कि हम लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं. इंडस्ट्री से कहा गया है कि जनरेटर सेट ना चलाए जाएं और बिजली विभाग से कहा गया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई दें ताकि जनरेटर सेट चलाने की नौबत ही ना है. सड़क के किनारे जो धूल की जगह होती है उस पर कहा गया घास लगाई जाए और छिड़काव किए जाए ताकि धूल ना उड़े. धूल उड़ने से हमारा AQI और ख़राब होता है और अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, सब इंडस्ट्रीज, सब स्कूल,
सब बंद करे जाएंगे, हम नहीं चाहते ऐसी नौबत आए। उससे पहले हम अपने आप को अलर्ट कर लें और अपने आप को रोकें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें ग्रैब की और स्टेजेस लागू करना पड़े। जिस तरीके से देखते हैं हर साल प्रतिवर्ष इस तरीके की समस्या होती है, तो क्या जब ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण बढ़ता है तभी दौर देने की बात है या पूर्व से ही तैयारी की जाए, ऐसा कोई एक्शन प्लान बनाया? देखिए, पूर्व से ही तैयारी करने का है, हमें ये नहीं कि जब पूरा खराब हो जाए तब आए। अब दिवाली है, दिवाली पे हम लोगों से यही कह रहे हैं पटाखे कम से कम चलाओ, ना चलाओ, और चलाओ भी तो ग्रीन पटाखे चलाओ। और बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटे पटाखे से ज़रा देर आवाज़ तो हुई, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन तुमने कितना नुकसान किया, हवा कितनी ख़राब होती है, और ये बहुत से लंग्स की जो बीमारियाँ हैं। आज एक बैठक बुलाई गई थी, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर नोएडा में प्रदूषण देखा जा रहा है, स्टेज 2 भी लागू हो गई है। मंत्री जी, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और क्या समस्याएं देखने को मिली? आज ये निर्देश दिए गए हैं कि धूल कम से कम उड़े, यहाँ का एयर क्वालिटी सिस्टम एक्शन। Vishwendra Gupta, leader of the opposition in the Delhi Assembly, commented on reports of an attack on Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal during his roadshow in Vikaspuri. Gupta expressed concerns over the safety of political leaders and called for a thorough investigation into the incident to ensure such attacks are prevented in the future. Aam Aadmi Party ke netaon mein bhari frustration hai और भारी डर है कि लोग अब उनकी सभाओं में नहीं आ रहे, लोग उनकी पदयात्राओं में नहीं आ रहे, और एक नया शगुफा आम आदमी पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रही है, जो हर बार होता है, लोगों में भ्रांति फैलाना, लोगों में गलतफहमी पैदा करना, लोगों को मिसगाइड करना। आज की जो घटना है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बता रही है, उसमें साफ रूप से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने नेता को एक प्रकार से लोगों के बीच में जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोग अब आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। अब कोई हथियार काम नहीं आ रहा है, कोई इनका जुमला काम नहीं आ रहा है, कोई इनकी झूठ जो है वो चल नहीं पा रही है, तो अब एक नया शगुफा छोड़ करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता अपने जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उनके नेता हैं, वो अपनी पार्टी के जो सुप्रीमो है उसको इस प्रकार की छवि के साथ पेश करना चाहते हैं, जिससे लोगों में उनके प्रति इमोशनल एक इमोशन जाता है। आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता के कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं में भारी फ्रस्ट्रेशन है और भारी डर है कि लोग अब उनकी सभाओं में नहीं आ रहे, लोग उनकी पदयात्राओं में नहीं आ रहे, और एक नया शगुफा आम आदमी पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रही है, जो हर बार होता है, लोगों में भ्रांति फैलाना, लोगों में गलतफहमी पैदा करना, लोगों को मिसगाइड करना। आज की जो घटना है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बता रही है। Dr. Somnath Dutta, an IMD scientist, provided insights into the weather changes following the landfall of Cyclone Dana. He noted that the cyclone has significantly impacted weather patterns in the region, leading to the alterations in rainfall and temperature. Dr. Dutta emphasized the importance of monitoring these changes for effective disaster management and forecasting in the aftermath of the cyclone. All process kal raat 11:30 baje shuru ho gaya. लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होने का मतलब है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो वॉल क्लाउड रीजन है ना, वॉल क्लाउड रीजन है, तो उसको एक्चुअली दो भाग है, जो डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन में जो भाग है उसको बोलता है फॉरवर्ड सेक्टर, और जो पीछे है वह बैकवर्ड सेक्टर है। ठीक है, तो लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया हम लोग तब बोलता है जब आपका जो फॉरवर्ड सेक्टर का जो वॉल क्लाउड रीजन वो जब आपका लैंड में पैर रखता है। ठीक है, उसको बाद धीरे 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 एंटायर पोर्शन निकल चला जाता है, वो आपका रात 11:30 बजे शुरू हो गया।
उसको बाद धीरे 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 पूरा पूरा फॉरवर्ड सेक्टर जाने के बाद क्वाइट नेचुरल नेक्स्ट उसका सेंटर अंदर में चला गया। वो एक्चुअली है लैंडफॉल, वो एक्चुअली क्रॉसिंग बोलता है उसको, सिस्टम क्रॉसिंग कर। वो सिस्टम जो क्रॉस किया है लगभग रात 1:30 बजे से रात 3:30 बजे का अंदर गए, ठीक है। लेकिन दैट डज नॉट मीन जो आपका लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट है, वो तो खाली सेंटर गया है, सामने का पोर्शन गया है, मतलब डोनट का सेंटर गया, डोनट का एक साइड गया, बाकी डोनट आपको मुंह में घुसाना बाकी है, ठीक है। तो वो दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ द दैट इज लैंडफॉल प्रोसेस। वो कंप्लीशन ऑफ द लैंडफॉल प्रोसेस आज सुबह 8:30 बजे कंप्लीट हुआ, 8:30 बजे खत्म कंप्लीट हो गया। एंड कंप्लीट होने का बाद अच्छा एक्चुअली वो तो हीट किया है, वो तो ऑलरेडी आप लोगों को मैं जब कल भी जब हम लोग ये दिया है क्या नाम है व्हाट इज कॉल्ड ब्रीफिंग दिया उस टाइम आप लोगों को बताया है कहाँ हीट किया है। तो एक अंडे के बाद एक्चुअली स्टील वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स डायरेक्शन में नॉर्थ उड़ीसा में मूवमेंट उसको जारी रखा और अभी जारी रखा। लैंडफॉल प्रोसेस कल रात 11:30 बजे शुरू हो गया, लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होने का। Irfan Ansar, Congress candidate from the Jamtara Assembly constituency, shared his views on the BJP and their candidate Sita Soren. Ansar criticized the BJP's policies and strategies, asserting that they do not resonate with the needs of the local population. He emphasized his commitment to addressing the concerns of Jamtara's residents and promoting development in the region. BJP कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए, इनको जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से जी जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं, अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा, ट्राइबल और एजिट हो गया मेरे साथ, मैंने 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है उनके हर दुखों में। आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हों लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया, उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पे विवश है कि देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं, शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है इरफान अंसारी के पहुंच जाते हैं। तो मैं कहूंगा देखिए Delhi Police Special Cell has apprehended Anu Dankar, a female associate of Himanshu alias Bang Gang, in connection with high-profile murder case at a Burger King restaurant in Rajouri Garden. She was arrested near the international Indo-Nepal border in Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh. The Delhi Police Special Cell has successfully arrested 7 shooters in a recent operation.
This crackdown highlights the ongoing efforts of law enforcement to tackle organized crime and enhance public safety in the capital. They are a star part of broader initiative to dismantle criminal networks operating in the region. इंटेलिजेंस रैंक की टीम ने, जिसको एसीपी धर्मेंद्र लीड कर रहे थे और डीसीपी प्रतीक्षा गुदारा इसको सुपरवाइज कर रही थी, सात जो शूटर्स हैं इनको इसमें जो पहली अरेस्ट है रितेश की वो 23 अक्टूबर को दिल्ली से की गई थी। उसके बाद एक सुखराम नाम का आदमी है जिसको राजस्थान से पकड़ा गया था और फिर अबोहर पंजाब से और सिरसा से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये लोग एक सुनील पहलवान नाम का आदमी है जिसका राजस्थान में मर्डर करना चाह रहे थे और उसके मर्डर के लिए इन्होंने दोबारा रेकी भी कर ली थी। इनके पास से ट्रैकिंग डिवाइस भी मिला है, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, जिसका इस्तेमाल ये जो इनका टारगेट होता है उसकी गाड़ी पे लगाते थे ताकि वो किसी ऐसी वनरेबल जगह पे ये लोग उसको वेलेट कर सकें जहाँ पे उससे उसको ये गोली मार सकें या उसके साथ वारदात कर सकें। इनको जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे वो आरजू बिश्नोई से मिल रहे थे और आरजू बिश्नोई जो है ये आजकल काफ़ी इंडिपेंडेंटली भी एक्ट कर रहा है और ये वैसे पुराने टाइम में लॉरेंस सिंडिकेट का पार्ट होता था। तो सर ये जो जिसके घर की रेकी की गई थी उसकी प्रोफाइल क्या, सर कौन है ये एक इसके मामा जो है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आदमी है, इसका छोटा मोटा बिजनेस भी है और कुछ अपने काम है इसके। सर मुंबई में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हुआ, क्या उसके साथ कोई लिंक नहीं? इसका उससे अभी तक कोई लिंक सामने नहीं आया है। सात शूटर्स पकड़े हैं स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस रैंकल टीम ने, जिसको एसीपी धर्मेंद्र लीड कर रहे थे और डीसीपी प्रतीक्षा गुदारा इसको सुपरवाइज। The 33 Assam Rifles conducted a medical camp in Salam village, Patsai Impal West district, aimed at enhancing healthcare and community welfare. Medical teams provided consultations in various fields including gynecology, dentistry, orthopedics and homeopathy, effectively addressing a broad spectrum of health concerns. And special blood sugar tests were also conducted for middle-aged and senior citizens, and this initiative highlights the Assam Rifles' commitment to societal improvement, elevating living standards and fostering goodwill within the community. मॉर्निंग इवनिंग आता हूँ सुबह आता हूँ।